नाव पारा शहर में दिनों दिन बढ़ते जा रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बाद स्थानीय प्रशासन अब सख्ती के मूड में नजर आ रही है और नियमों का पालन न करने वालों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है, जिसके तहत शनिवार को नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में बिना मास्क खुलेआम घूमने फिरने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और उन्हें मास्क पहनाकर आने जाने की समझाइश भी दी गई। इस चालानी कार्रवाई में मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय स्वयं मोर्चा संभाले दिखे। उन्होंने बताया कि आज की चालानी कार्रवाई में 78 लोगों से कुल 16,500 रुपये का चालान काटा गया, जिसमें 3 दुकानदार हैं और बाकी नगर में बिना मास्क के घूमते लोग हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपाध्याय ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नगर के जो भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग मास्क की अनिवार्यता को लेकर गंभीर नहीं दिखाई देंगे, उनके खिलाफ बड़ी चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दो बार की समझाइश के बाद आदेशों के उल्लंघन पर सीधा दुकान सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी, जो कि आगामी आदेश के बाद ही खुलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ऐसी चालानी कार्रवाई आगे भी करने की बात कहते हुए नगरवासियों से अपील की कि कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए जारी की गई सभी गाइडलाइंस का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाएं। DNX TV के लिए नवापारा राजीम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। किसी का पालन न करने वाले लोग के ऊपर है और 2-3 दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई की गई जो बिना मास्क के पाए गए हैं। जो बिना मास्क के दुकानदार पाए गए हैं, प्रथम बार 500 रुपये के जुर्माना की कार्रवाई की गई है और द्वितीय बार यदि पाए जाते 1,000 की और तृतीय बार में उनका दुकान सील किया जाएगा। जो आगामी आदेश जो भी आदेश होगा उसके उपरांत ही दुकान की सील खोली जाएगी और सोशल डिस्टेंस पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है और जो शहर में बिना मास्क के घूम रहे उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई कंटिन्यू चलेगी अभी। शुक्रिया सर।